लाइब्रेरी के बारे में मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पे. तो जब मैं प्रोटेस्ट में आई तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में आई थी. पहले ये था कि घर में कुछ बस वही घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलावा तो कुछ करती नहीं थी. बुक उठाना भूल गई थी मैं तो. पढ़ाई इतनी पढ़ने के बाद भी कभी बुक उठा के मैंने पढ़ा नहीं. लेकिन ये लाइब्रेरी से तो फ़ायदा बहुत हुआ है, बहुत सारी बुक यहाँ हैं. मैं तो आती हूँ यही टारगेट लेके कि इस टाइम आती हूँ, बुक लेती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर शाम को चली जाती हूँ. मैंने तो अपने बेटे से भी कहा कि तुम खाली टाइम घर में वेस्ट करने से अच्छा है वहाँ जाओ, वहाँ तो बुक मिलेगी तुम्हें बहुत सारी, पढ़ो उसमें से. तो आजकल के बच्चों को नाम ही नहीं पता. मेरे बेटे को अकबर और जो है हुमायूं और इनके बारे में नहीं पता है. तो ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? जो पुरानी हिस्ट्री है उसी की वजह से तो मजबूती है ना भारत की. एक राजा था, वह अपने आप को समाज के लिए और समाज को अपने लिए कहता था. राजा ने बात सभी के सामने रखी, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें साफ लिखा हो यदि राज्य का कोई व्यक्ति हक मांगता पाया गया तो वह राज्य का बागी घोषित किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के लिए राज्य किसी क्षमा याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा. राज्य के सभी सिपाहियों को हुक्म दिया जाए अगर कोई भी हक मांगता पाया जाए तो उसे बख्शा ना जाए, फौरन गिरफ्तार करें या इतना बेकार करें कि आगे से हक मांगने की ज़रूरत ना करें. ऐसे लोगों को कोड़े मारने से लेकर जान से मारने तक की आज़ादी सिपाहियों को दे दी जाए. ऐसा काम करने वाले सिपाहियों को इनाम दिया जाए. इसके बाद राज्य से चुन चुन कर हक मांगने वालों को लाया गया. राजा ने सजा के तौर पर आलमगीर और यूनान के बादशाह को पीछे छोड़ दिया. हक मांगने वाले जेलों में हैं, शासन चल रहा है, राजा की जय बुल रही है, राजा को चुपचाप रहने वालों से कोई खतरा नहीं है, बस हक मांगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. शाहीन बाग जो आंदोलन है उसको काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा था. तो मैं एक प्रोटेस्टर्स के तौर पे आ रहा था तो मुझे लगा अगर हम लोग भी कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रोटेस्ट में बहुत ही गलत होगा. जब जामिया में लाइब्रेरी पर हमला होता है, JNU जैसे इंस्टीट्यूशन पे हमला होता है, अलीगढ़ में हमला होता है, तो हमला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं लोगों के खिलाफ उन पर. तो लाइब्रेरी और किताबें हमें ताकत देती है सवाल पूछने की. तभी आइडिया आया कि हम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको किताबों की तरफ खींच सकते हैं ताकि जो ये आंदोलन है वो थोड़ा मजबूत हो, लोग पढ़े और प्रोटेस्ट को एक नया रूप मिले. तो इसी सब में हम लोगों ने ये सोचा कि लाइब्रेरी शुरू कर सकते हैं और 17 तारीख को हम लोगों ने लाइब्रेरी शुरू किया. जैसे अम्बेडकर ने कहा है एजुकेट ऑर्गेनाइज देन एजुटेट. जब शाहीन बाग आंदोलन की बात करते हैं तो हम महिलाएं आंदोलन को लीड कर रही है क्योंकि जब 19th सेंचुरी में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था या उनकी पढ़ाई की बात करना बहुत गलत समझा जाता था, तब फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले उनकी महिलाओं की एजुकेशन की बात करती है और उसी का परिणाम स्वरूप सावित्रीबाई फुले को उनके घर से निकाल दिया जाता है. फातिमा शेख उनको साथ में रखती है, फिर स्कूल वो चलाते हैं और जो वो रूढ़िवादी समाज की धारणा थी कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए उसको तोड़ते हुए उन्होंने उन ओप्रेस कम्युनिटीज़ की महिलाओं के लिए एक स्पेस क्रिएट किया जो नहीं था वहाँ पे. तो ये नाम जो रखा है हम लोगों ने लाइब्रेरी का उन दोनों महिलाओं के योगदान को याद करने का एक तरीका है. शुरुआत में हमारे पास ज़्यादा किताबें नहीं थी, मेरे कलेक्शन में से मैंने कुछ 25 से 30 किताबें निकाली, फिर बाकी दोस्तों को कॉन्टैक्ट किया तो फिर शुरू किया. उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये किताबें कम हैं, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया का सहारा लिया तो वहाँ से लोगों ने रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया. संविधान की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग हिंदी उर्दू में ज़्यादा मांग रहे थे तो हम लोगों ने हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों में संविधान अवेलेबल कराया, लोग पढ़ रहे हैं अभी. इम्पॉर्टेंस लाइब्रेरी की एक प्रोटेस्ट साइट में ये है, स्पेशली एक लाइब्रेरी जहाँ पे आपका ये नहीं कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है और ये बस आप आओ रीड करो. तो एक मतलब एक है कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए क्योंकि लोग जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे. जब पूरे देश में और दुनिया भर में एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने का एक होड़ मची है
तो ये लाइब्रेरी ओपन लाइब्रेरी दिखाता है कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, ट्रांसजेंडर हो, महिला हो, आदिवासी हो, एजुकेशन पे सबका हक है। अभी जैसे मैं ये बुक रीड कर रही हूँ एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो आप जितना रीड करोगे उतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बनेगी, उतना आप जो हेटेड वाली जो पॉलिटिक्स है उस चीज़ से आप दूर रहो, मतलब उस चीज़ को क्वेश्चन करोगी कि वो चीज़ कैसे गलत है, प्रोपेगेंडास को क्वेश्चन करना मतलब शुरू करोगे। एक और चीज़ इस लाइब्रेरी की अच्छी क्या है कि अभी इन्होंने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है तो उसमें क्या है कि कई लोग हैं जो मतलब बुक रीडिंग का इतना अगर नहीं हो तो मतलब एटलीस्ट सुनने लोग आते हैं। ये दुनिया है, यहाँ कितनी हकीकतें, ख्वाब और कितने ख्वाब अधूरे रह जाते हैं कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक अधूरे ख्वाब की तामीर मोहल्ला मीर जान के चबूतरे पर गुड़िया गुड्डों का खेल खेलते खेलते कुछ लड़कियों ने एक 5 साल बच्ची नादिरा के नर्म दिल में रख दी। मोहल्ला मीर जान की लड़कियां चौक पर गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही थीं। मोहल्ला मीर जान की गुड़िया थी और मोहल्ला अली जान का गुड्डा था। एक लड़की किसी बात पर नाराज़ होकर अपनी गुड़िया ले गई। दोनों मोहल्ले के बच्चों ने अपना अधूरा खेल पूरा करने के लिए गुड़िया की जगह 5 साल नादिरा का निकाह उसके हम उम्र अहमद से कराकर अपना खेल पूरा कर लिया। ये महज सिर्फ एक खेल था जिसे हर खेलने वाला खेलकर भूल गया, बस नादिरा थी जो ताउम्र ख्वाब के मुकम्मल होने का ख्वाब देखती रही। इस लाइब्रेरी में तो दुआ कर रही हूँ कि कहीं फिक्स हो जाए। हर वक्त जो घर में हर वक्त लगे रहते थे उससे एक अलग टाइम मिल रहा, और यहाँ कई नए नए लोगों से मुलाकात होती है रोज़, नई नई और से जान पहचान सलाम दुआ, वो दूसरे दिन ना मिले लेकिन रोज़ नए नए लोगों से मुलाकात होती है। मैंने तो औरों को भी बोला है कि आप आओ ना शाहीन बाग में, क्यों क्रिमिनल बना रहे हैं शाहीन बाग को, आइए यहाँ आके देखिए यहाँ कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है यहाँ। अभी भी गवर्नमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, हेट को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनको एक बार आके यहाँ आना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे जो बुक्स है वो रीड करनी चाहिए। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विचारधारा से काम कर रहे हैं, उनके पास एक विचारधारा है, तो हमें अपनी लड़ाई को भी वैचारिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। अब वैचारिक तौर पर मजबूत तभी होगी जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, हम अपने आइडियल्स भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, इन सब की राइटिंग्स को पढ़ेंगे, विचारों को पढ़ेंगे, और जो कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ हैं उनको एड्रेस करती हुई किताबों को पढ़ेंगे, तो हमारा आंदोलन और वैचारिक तौर से मजबूत होगा। और हमें आरएसएस को भी पढ़ना पड़ेगा तो ताकि हम उसको समझ सकें और एक एंटीथेसिस तैयार कर सकें। लाइब्रेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है और होना ज़रूरी है।